हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सभी बहुत ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी कुछ लोग सरप्राइज होंगे कि ये नया सब्जेक्ट देकर, और कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि बेसिकली उन्हीं की रिक्वेस्ट और डिमांड पर ये सब्जेक्ट भी मैंने शुरू किया। सो कहने का मतलब है, ये जो VAC आपके कोर्सेज होते हैं ना, वैल्यू एडिशन कोर्सेज है ना, सो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वैल्यू एडिशन कोर्सेज में ये वाला सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो प्लीज वो स्टूडेंट्स जिनके पास भी VAC में ये कोर्स है, प्लीज उनके साथ शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट सब तक के कंटेंट पहुंच जाए। छोटा सब्जेक्ट है, 3 ही यूनिट है बेसिकली इसमें। सो हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला। सो वो आपको आगे बताऊंगी मैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये आपका बहुत ईजी सब्जेक्ट है, सो आप लोगों को काफी मजा आएगा साथ साथ पढ़ने में इसको, ठीक है। इसके अलावा भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना सिलेबस नहीं है, या फिर जो DU की SOL वाली आपकी PDF हो गई, या फिर कोई भी नोट्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, या कोई भी आपकी वीडियो की डिटेल्स एंड ऑल, ये सारी की सारी आपको एक ही जगह मिल जाती है टेलीग्राम पर। सो प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसका नाम है एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बहुत इजीली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF वहां मिल जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का सिर्फ इसीलिए बोलती हूँ, मेन जो मकसद है वो यही है कि इस पे क्या होता है ना, आपका कंटेंट हमेशा सेव रहता है। व्हाट्सएप पे कभी भी डिलीट हो जाएगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो नए बच्चे ऐड होते हैं उनको वो कंटेंट नहीं मिल पाता। बट टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है, यहाँ आपको हमेशा, मतलब आप कभी भी ज्वाइन करोगे, आपके फोन से वो कंटेंट भले डिलीट हो जाए बट यहाँ की फाइल से नहीं होता, तो आप कभी भी जाकर वापस डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ यही मकसद है। ओके, इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि सबको हेल्प हो जाएगी इस वाले सब्जेक्ट में भी, जैसे आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबको शेयर कर रहे हो, सो डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, बाकी सब्सक्राइब कर देना भाई मस्त आराम से। बाकी शुरू करते हैं, फर्स्ट यूनिट है आपकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत का संविधान और प्रस्तावना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय, सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है, उसको संविधान बोलते हैं। बेसिकली है क्या, ये आपका पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, राजनीतिक साधन है। सबसे मेजर बात है कि इससे क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, अगर दिमाग में भी आए कोई भी पूछे कि क्या है, मतलब क्यों है, तो सीधी सी बात है कि इसमें है क्या, इसमें आपके बेसिक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने नेशन को कैसे गवर्न करना है, मतलब आपको अपने राष्ट्र को कैसे शासित करना है। तो पूरे दिशा निर्देश आपको कहाँ मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, संविधान में। इसके अलावा इसका जो एम है कि किस उद्देश्य से बनाया गया, तो इसको जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को रेज करना, कि जो भी आपके समाज में सामाजिक और आर्थिक मानक है उनको धीरे धीरे ऊपर उठाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग अपनी जो लाइफ है वो पूरा सम्मान पूर्वक, पूरा रिस्पेक्ट के साथ, पूरा ऑनर के साथ जी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपको पता है जो आपकी सरकार है वो 3 ब्रांचेस में बटी हुई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वही आपका कार्यकारिणी या फिर कार्यपालिका हो गया, ये विधायिका हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेसिकली जुडिशरी है ना, इसको क्या बोल सकते हो आप, न्यायपालिका भी बोल सकते हो। सो इसको भाई नोट कर लेना मस्त आराम से। इसके अलावा सबसे मेजर बात, ये हम सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं कह रही हूँ कि संविधान ही एक ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज है जहां पर आपके सारे सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा किसका क्या काम है क्या नहीं है। तो दैट मीन्स कि यही सुप्रीम है, यही सर्वोच्च, ऐसे ऊपर कुछ है ही नहीं। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन सी 3 ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रोटेक्शन डिवाइड, मतलब डिमांड करते हो आप, या फिर वो आपको प्रोवाइड करता है। सो जब आर्म्ड हो जाता है, आर्म्ड रिबेलियन या सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, फॉरन योग हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आउटब्रेक ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, मतलब जब कभी ऐसा आउटब्रेक हो जाए समाजवादी क्रांति एंड ऑल का, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे कि जो भारत का संविधान है भाई, लिखा किसने था, बनाया किसने था, तो ये सबसे पहली बात हमें पता होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसको हम बोल देते हैं संविधान सभा, के माध्यम से लिखा गया है। सो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हमने 12th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, तो ये बेसिक है। एक चीज और है, जो आपकी 11th 12th की चीजें हैं वो आपको कुछ कुछ याद होंगी, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा शायद सुना सुना है कहीं। सो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम भी लग रहा होगा ना सुना है, तो आपने पहले भी सुना है बट वो ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो यही समझ लेना कि इसको हम आगे कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करने वाले और इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, सो दैट की बहुत इजीली हमारी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी आपकी, 9 दिसंबर 1946, मतलब जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पूरा डिस्कशन वगैरह हुआ, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कि इसको बनने में कितना टाइम लगा, ये चीजें आई गेस सबके खून में घुल चुकी होगी, पक्की बात है ये, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है।
एक चीज और है जो आपका कंटेंट है सोयल वाला, उसमें इसका डेज में थोड़ी सी मिस्टेक है, 13 दे रखा है तो उसको 18 कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, सो प्लीज थोड़ा सा ब्लाइंडली फॉलो ना करके थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा अडॉप्ट कब हुआ था आपका संविधान, क्योंकि बनकर तो तैयार हो गया, अब इसको अडॉप्ट किया गया कब, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, एंड फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आप किस चीज को बोल देते हो, भारत संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ये मेजरली आपकी प्रियम्बल को बोलते हो, प्रियम्बल को बोल देते हैं प्रस्तावना। ऐसा कहा जाता है कि जितना भी आपका संविधान में सारी डिटेल्स लिखी गई है ना, उसको समराइज वे में आपको कहां दे दिया गया है, प्रियम्बल में दे दिया गया है, ठीक है। सो अभी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और एक और चीज है कि ये बहुत ईजी है, जरूरी है, सो हम सबको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहां दो इमेजेस दिख रही होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसपे लिखा हुआ है, एंड ये दोनों ही हमारे प्रियम्बल हैं, बट डिफरेंस क्या है कि ये हमारा थोड़ा सा जब हमने अमेंडमेंट इसमें ऐड किए थे, ये 42nd अमेंडमेंट, तो उसके साथ है ये, और ये हमारा प्रीवियस वन है। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमेशा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है, तभी तो उसको क्या बोला जाता है, इसको सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट भी बोला जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जो उसकी प्रस्तावना है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक बार समझ लो, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट इसको रट लो, बट स्टिल इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी है, सो दैट आपको कभी ये काम आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लो। एक चीज जो आपका प्रियम्बल है वो हमेशा शुरू होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में लिख देते हैं हम भारत के लोग करके, ठीक है। सो इस चीज को एक बार इस तरीके से देखें। एंड उसके अलावा बेसिकली इसमें आप ये देखोगे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सो बेसिकली इसको हिंदी में बोल देते हैं आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सो इसके टर्म्स हैं, सुनने में शायद आप लोगों को बहुत लगे टफ है ये, बट आप इसकी इमेज भी डायरेक्टली गूगल से भी देख सकते हो, सो दैट आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या पर्टिकुलर इसका ट्रांसलेशन है। सो ये बात करते हैं कि ये सिक्योर करेंगे किस चीज के लिए, कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनका उनको जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, फेटर्निटी देंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप नोटिस करोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की डिटेल्स या इन्हीं का ही जो डिटेल वर्जन है वो सारा का सारा आपका कहाँ मिलेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। आपको ये मैंने पहले ही बताया कि 26th day of November 1949 को इसको क्या किया गया, अपनाया गया, ठीक है, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये जो डेट है जरा इसको ध्यान रख लो, 42nd अमेंडमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे लिख दिया मैंने, तो थोड़ा सा समझ लेना। 1976 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें वर्ड्स को ऐड किया गया था, सॉवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसी तरीके से यूनिटी ऑफ नेशन को भी। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये आपके ऐड हुए थे बाद में, 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक चीज और है कि जो आपका संविधान है वो दो तरीके का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, ठीक है। सो जो इंडिया का संविधान है वो किस में आता है, आप लोगों को जरूर पता होगा, नहीं पता तो आज जान लो, बहुत जरूरी बात है ये कि इंडिया का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित है, रिटन है हमारा, तभी मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि इसीलिए लेंथीएस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है इसमें, इंडिया के अलावा और किस किस कंट्री में है ये। सो यूएसए देखेंगे आप, ठीक है, फ्रांस देखेंगे, चाइना देखेंगे, जर्मनी देखेंगे, सो यहाँ भी आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ब्रिटेन के पास भी क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जिसका ध्यान रखोगे बुक में आपको, वो एस वेल वाली बुक में शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि उसमें लैंग्वेज का शायद बैरियर रहा होगा, सो आप उसको डायरेक्टली फॉलो मत करना, आपको बताना चाहिए कि ब्रिटेन का अनरिटन है, अलिखित है। इसके अलावा इंडिया का जो संविधान है लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लंबा है, क्योंकि इंडिया ने अपनी सारी डिटेल्स को इसमें कवर किया है, तो इंडिया इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है वर्ल्ड में कि भारत का अपना सबसे लंबा संविधान है। ओरिजिनली मतलब शुरुआत में अगर देखोगे ना, सो उसके 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट 22 जो भाग थे आपके, एंड 395 आपके आर्टिकल थे, मतलब अनुच्छेद बोल देते हैं इसको, ठीक है। सो ये थे, बट प्रेजेंटली आज के टाइम पर 12 अनुसूचियां हैं, 25 पार्ट हैं और 448 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है, चीज का ध्यान रखोगे। अब कंपैरिजन देख रहे हो यूएसए के साथ, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाए तो हमारा इतना ज्यादा लेंथीएस्ट और इनका शॉर्टेस्ट माना जाता है, क्योंकि 7 ही अनुच्छेद है केवल,
चाइना का देखोगे तो 138 आर्टिकल्स हैं उसमें, एंड कैनेडा का देखोगे तो 11 पार्ट मतलब 11 भाग और 147 सेक्शन है इसमें, खंड है। सो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि इनका इतना छोटा और हमारा इतना लेंथीएस्ट है, दैट मीन्स कि हमने बहुत कुछ इसमें कवर किया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया, जब हमने इंडिपेंडेंस अटेन की थी हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है और पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, इलिटरेसी थी। सो इंडिया ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको पता है ना, जिसमें दोनों ही एलिमेंट दिखते हैं, किसके, कैपिटलिज्म के भी और साथ साथ सोशलिज्म के भी, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। और एक चीज और, इंडिया ने इस टाइम पर ही क्या किया था, 1951-52 में 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च किया था। सो इनकी शुरुआत की थी सरकार ने 5 वर्षीय योजना की। इसके अलावा आप देखोगे कि क्यों है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या रीजन है इसके। सो सबसे बड़ी बात, हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स बहुत थे उस टाइम पर, तो हमें उन सबको भी मर्ज कराना था अपने अपने मतलब इंडिया में। इसके अलावा आप देखोगे क्यों, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है आपको उनका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन सबको भी जगह देनी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आप देखोगे कि आपके यहाँ पर क्या है कि देश में विशालता बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट आप देखोगे कि कास्ट एंड बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके बिहाफ पर आप कह सकते हो कि इंडिया एक मल्टी कल्चरलिज्म है इंडिया में, मतलब कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो रीजन मैंने आपको बताया वही, भाषा जाति धर्म के आधार पर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इसको बहुसंस्कृतिवाद भी कह देते हैं। इंडिया में, भारत में जो आपकी इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, वो कैसी है, एग्रेरियन है, मतलब कृषि पर आधारित है। इसके अलावा आप डीपीएसपी को देखोगे, जैसे हम दो चीज देखते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल राइट, राइट। सो फंडामेंटल राइट तो आपके कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, मतलब कि अगर मौलिक अधिकार बोल देते हैं इनको, फंडामेंटल राइट को, कि अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। बट ये जो डीपीएसपी है, इसकी फुल फॉर्म सबको पता होगी उम्मीद करती हूँ, नहीं पता तो भले ही गूगल करके जाके लिखो, बट देखकर कमेंट में करो फटाफट से कि डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या है। एंड इसके अलावा इसको हिंदी में बोल देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते, कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं होते, ठीक है। बट ये हम सबके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा नेफा, ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो वापस यही काम करना, देखो गूगल पे जाकर और फिर जाकर कमेंट में लिखो, सो दैट दो जगह आप करोगे, एक बार देखोगे एक बार लिखोगे तो वो हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको जगह दी गई शेड्यूल 4 में, आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो आपके एरिया है बेसिकली उनके जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर जगह मिली। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ने आपको बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता है, वो क्या है, संविधान। संविधान से ऊपर हम कभी नहीं जा सकते और उससे ऊपर कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपका ये क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर विभिन्न मामलों की व्याख्या करता है और टाइम टाइम पर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन की है। जैसे केशवानंद भारती केस में आप देखोगे कि काफी मामला सुलझाया गया, किससे रिलेटेड था कि कोर्ट को मतलब बताया था ना, न्यायालय ने संविधान की संशोधन शक्ति को मान्यता दी थी कि हाँ भाई किसके पास संशोधन करने की पावर है, मतलब अमेंडिंग पावर है या नहीं है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली दोनों की चलती है, कभी पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं मैं थोड़ी सी सुपीरियर हूं या फिर मैं कर सकती हूं, कभी सुप्रीम कोर्ट को, लाइक इन लोगों का थोड़ा सा इन लोगों का कह रही हूं, इन संस्थाओं का थोड़ा चलता है। सो इस चीज का यहाँ पर रिव्यू किया गया पार्लियामेंट में कि वर्क विद इन पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो भी आपके दायरे दे रखे हैं सो उस दायरे में रहकर काम करना होगा, संसद कभी सर्वोच्च नहीं होगी। सो ये वाली चीज बताई गई। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू, अब इसमें देखना आपका बेसिकली हुआ क्या था आपका कि शंकरी प्रसाद, यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह, राजस्थान मतलब वर्सेस राजस्थान केस, मतलब आप ये देखो कि छोटे छोटे से केसेस हैं जिसमें ये बताया गया कि संसद की सर्वोच्चता है या फिर न्यायिक समीक्षा है, किसके बीच में मतलब समझौता हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये सारे जो इनसे रिलेटेड केस है ना वो ये हैं जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ कि शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान केस हो गया। और आप एक चीज नोटिस करोगे मेजरली इसमें कि ये जो केसेस है ना आपको ऐसे रिलेटेड पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है, सो थोड़ा सा बताओ, या फिर आप अपने आंसर में लिखाओगे तो केसेस के नाम लिखाओगे तो आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी। गोलकनाथ केस 1967 केस क्या था, वही कि भाई कोर्ट को रिकॉग्नाइज करें अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग पावर, अब एक बात बताओ ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है या पार्लियामेंट के पास ही अनलिमिटेड पावर है, पावर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था पार्लियामेंट को भी और जुडिशरी को भी, कि दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो ये वाली जो बात थी, ये वाली प्रॉब्लम थी, वो केशवानंद भारती केस में सुनवाई हुई थी 1973 में।
सो इस चीज का ध्यान रखना। हिंदी में भी यही है कि ये जो केस है उनको वर्सेस को हम बनाम बोल देते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, है ना। सो इसमें 1967 का गोलकनाथ का मामला हो गया कि संसद की जो संशोधन की शक्ति है कि उसको पहले अनलिमिटेड मानते थे, असीमित मानते थे, तो अब उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई इस केस में। नेक्स्ट है आपका कि कोर्ट को बताया गया कि हाँ भाई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई पार्लियामेंट के ऊपर, और बताया गया कि हाँ भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट संशोधन नहीं करेगा, भाई संशोधन तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, बट जो भी चीजें आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी आप उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे, अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। सो इस वाली चीज की बात हुई। एंड इसके अलावा क्या हुआ कि अब ये चीज क्लियर हो गई, ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना ही आपका सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। मतलब कि अगर कभी ये कोई पूछ ले भाई पार्लियामेंट ज्यादा मतलब पावरफुल है, ज्यादा सुप्रीम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सो आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि भाई भारत में संसद सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका, सो नथिंग इज लाइक दैट। इसके अलावा बताया कि पार्लियामेंट कब जजेस के बारे में डिस्कस कर सकती है, फिर जजेस का पार्लियामेंट से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहस होती फिर। सो बताया पार्लियामेंट जब डिस्कस करेगी अबाउट द जज ओनली जब कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, मतलब कि अगर लगता है महाभियोग लगाया गया है संसद के न्यायाधीशों पर, तब ठीक है संसद में जो चर्चा होगी न्यायाधीशों के बारे में ओनली तभी होगी जब महाभियोग की प्रक्रिया की बात होगी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की बात देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी सिर्फ राइट है कि वो रिव्यू कर सकता है जितने भी पुराने एक्ट हैं पार्लियामेंट के थ्रू बने हैं या जो भी हैं, बट अगर उसको लगता है कि भाई एग्जिस्टिंग एक्ट आज भी संविधान के तहत काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वो उनको थोड़ा सा क्या कर सकता है, उनको नलीफाइड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सबको, सबसे मेजर बात जो पता होनी चाहिए क्या कि पहले हमारे कितने राइट थे, एक सेकेंड, पहले हमारे जो टोटल राइट थे वो थे हमारे 7 राइट, और अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे यहां पर अब कितने राइट हैं, टोटल फंडामेंटल 6 राइट हैं। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। एक चीज और, कौन सा राइट हटा कैसे हटा वो सब आगे देखेंगे। बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट हैं जैसे हमारे इंडिया में है ऐसे ही आप देखोगे ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी है, इन लोगों ने भी अपने सिटीजन को दे रखा है। तो सिटीजन ऑफ ब्रिटेन इनके पास जो ये राइट है किसके अंडर आते हैं, बिल ऑफ राइट्स 1689 में मिल गए थे अधिकार, मतलब ब्रिटेन के जो नागरिकों को 1689 में अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा देखा जाए यूएसए का देखा जाएगा तो यूएसए में भी यही है कि 10 संशोधनों में बिल ऑफ राइट्स के जरिए अपने नागरिकों को अधिकार दिए इन्होंने। रही इंडिया की बात, इंडिया में इनिशियली शुरुआत में कितने थे, 7 राइट थे, मतलब कि आप देखोगे कि जो मौलिक अधिकार है शुरुआत में 7 थे। इनका जो अनुच्छेद है आर्टिकल आपको बताना चाहिए 12 से 35 तक है। सो इस चीज का ध्यान रखो, जो मेजर राइट है वही राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम हो गया, रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये मेजर मेजर इन्होंने लिखे हुए हैं। सो ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे कि जो मेजर पार्ट है ना हमारा वो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है मौलिक अधिकारों का, ठीक है। एक चीज और थी, कौन से भाग में दे रखा है, भाग 3 मतलब पार्ट 3 में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आपका 7 राइट से 6 राइट हुआ है ना, तो कौन सा एक राइट हटा, वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और इसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया आपका लीगल राइट। और कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया, आर्टिकल 300A। कौन से अमेंडमेंट में बनाया गया, 44 मतलब 44वां संविधान संशोधन में हुआ, और इसका ईयर आप लोग लिख लो 1978 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपको आपके मौलिक अधिकार ना दिए जाए या फिर इनका उल्लंघन हो, वायलेशन हो, सो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। एक बात और थी, केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं किए जा सकते, जो भी आपको लगे कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, मतलब एक प्रॉपर आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज को यू हैव टू फॉलो कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सो यू कैन नॉट अमेंड, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की फुल फॉर्म तुम्हें मिल गई, अगर तुमने ना लिखी हो अभी भी कमेंट में या तुम्हें ना पता चला हो तो यहां से देख लो महाराजो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में बोल देते हैं राज्य के नीति निर्देशकता, तो वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है। दूसरी बात क्या है, जो जैसे आपके फंडामेंटल राइट है वो क्या है, आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाले जो राइट है, डीपीएसपी जो है ये सोशो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं बेसिकली, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जिससे कि जो आपके गरीब है उनका उत्थान हो, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर हो। दूसरी बात सबसे मेजर डिफरेंस कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते, मतलब अदालत के द्वारा लागू नहीं किए जाते, ये आपके सामाजिक आर्थिक अधिकार है,
गरीबों के उत्थान के लिए, मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए है, बट आप ये कहो कि मैं इनके उल्लंघन पे कोर्ट चली जाऊं तो वो नहीं जा सकते हम, ठीक है। इसके अलावा मिनेरवा मिल्स वाला जो केस है 1980, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिपूरक हैं, समझ रहे हो, पर विरोध में नहीं है ये। सो ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। भाई एक चीज का ध्यान रखो, फंडामेंटल राइट्स अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। राइट्स जो सभी को मिले हुए हैं, ड्यूटीज भी हम सबको ही फुलफिल करनी होती है, बट वो इन्फोर्सेबल है, मतलब कोर्ट के द्वारा है और उनको आपको फॉलो ही करना है। यहाँ आपको ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट स्टिल कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ आप ये चीजें फॉलो अप करोगे। सबसे मेजर बात कि ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ये शुरुआत में था नहीं आपके संविधान में, है ना, ओरिजिनली नहीं था ये आपके संविधान का हिस्सा, इसको बाद में बनाया गया। तो इंदिरा गांधी ने इसको ऐड करने के लिए एक जो आपकी कमिटी है, मतलब समिति को नियुक्त किया था, उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, है ना। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ भाई मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो कौन से पार्ट में, पार्ट 4A में है, आर्टिकल कौन सा है 51A, कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, ईयर याद रखना 1976। इसके अलावा इंस्पायर्ड कहां से हुए थे, यूएसएसआर से हुए हम, ठीक है। दूसरी बात हमें पता है कि भैया कोर्ट से इन्फोर्स नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज थी इंपॉर्टेंट है सिटीजन के लिए कि भाई जो भी आपके नागरिक हैं देश के उनके लिए। दूसरी बात क्या है कि जो ड्यूटीज हैं भाई आपकी बिल्कुल हाथों हाथ चलती हैं, कुछ ड्यूटीज थोड़ी सी कंपलसरी हो जाती है आपके इंडियंस के लिए, जैसे आपको अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, मतलब ये सारी चीजें कि देश के नागरिकों के लिए ना मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण तो है, ये आपके अधिकारों के साथ साथ चलेंगे कर्तव्य, बट वही है कि कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा अनिवार्य बना दिया गया, वही ये जो हिंदी में लिखा है राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, भारत संविधान का सम्मान करना, वन्य जीवन जंगल की रक्षा करना, ये सारे दायित्व हमारे ही है, हमें पूरे करने हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भाई ये हम सबको पता होगा हमारा 3 लेवल है गवर्नमेंट का, ठीक है। एक तो आपका सेंट्रल हो गया, एक हो गया आपका स्टेट, और एक हो गया आपका कौन सा लोकल। लोकल में भी आपके बेसिकली दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है रूरल, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहाँ लिख दूं सो दैट कि आप लोग अगर जो बच्चा नोट मेकिंग कर रहा होगा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, कि लोकल में भी आप देखोगे तो दो है, एक होता है आपका रूरल, ठीक है, एक होता है अर्बन। सो अर्बन हो गया शहरी वाला और रूरल हो गया जो गांव वाला होता है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखोगे कि गांव में क्या होता है, आपकी पंचायत होती है, तो ये उससे रिलेटेड है यहाँ पर सारी चीजें, कि जो भी आपका पंचायत में हो गया, और शहरों में क्या होता है आपका नगर पालिका होती है, एमसीडी वगैरह, ठीक है। एक चीज और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, आर्टिकल 40 में बात की गई है, अनुच्छेद 40 में, कि भाई स्थानीय सरकार होनी चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी को बोला जाता है कि, मतलब वही हमारे राष्ट्र के पिता थे, तो उनके लिए बोला जाता है कि उनका बहुत सपना था कि वो भारत में विकेंद्रीकरण देखें। विकेंद्रीकरण समझ रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जब पावर का बंटवारा नीचे तक आता है, ठीक है, कि पावर टूट के छोटे छोटे हिस्सों में सबको दी जाती है। इससे रिलेटेड भाई इसका कोई संविधान में आपका था नहीं, मतलब संविधान में इसका जगह नहीं दे रखी थी इसको, तो 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको क्रिएट किया गया, 3 tier, है ना, 3 स्तर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, रूरल और अर्बन एरिया में। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेशन इसकी वजह से ही ग्रास रूट लेवल पर होता है, मतलब कि जड़ तक पहुंचता है, कि जमीनी स्तर पर लोग इसमें आकर क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसके अलावा जो निचले स्तर के लोग हैं उनको क्या होता है, वो इंपावर हो पाते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पावर बढ़ती है, और इंडिया की इसी तरीके से लोकतंत्र की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्थानीय स्वशासन है, मतलब इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी मानी जाती है, ठीक है। सो ये हुआ आपका एंड इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपके और सब टॉपिक हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि वीडियो सुनते हुए ना साथ साथ नोट मेकिंग कर लिया करो, सो दैट कि ये चीज ना आपने एक बार सुनी, एक बार आपने नोट डाउन किया तो वहां याद हो जाती है। और नोट मेकिंग के लिए भी ना शॉर्ट में नोट बनाया करो, सो दैट कि मतलब ऐसे कम पेजेस में बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उस पर वर्क करूंगी, और आई विल ट्राई कि मैं जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो भी कंप्लीट कर दूंगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाला है ये भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। सो सीरीज के एंड तक बने रहिएगा और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खूब मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर देना जरूर से, ठीक है भाई। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।